हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप इस नए साल आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी के जो भी सपने हैं वो सब सच कर पाओ, आपको भगवान इतनी शक्ति दे। सरस्वती माँ की आप सभी पर बड़ी कृपा रहे ताकि आपकी जो बुद्धि है जो फालतू के कामों में लगती है वहां से हट करके अच्छे कामों में लगे। और आप इतनी मेहनत करो इस साल कि अपने माता पिता के चेहरे पर एक गौरवमयी मुस्कान ला सको। जिस दिन आपके माता पिता के चेहरे पर आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से अगर मुस्कान आ गई ना चेहरे पर, तो समझ लेना आपका जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, अब फर्ज आपका बनता है कि आप भी इस साल एक संकल्प ले, दृढ़ संकल्प कि आप भी अपने लिए और अपने माता पिता के लिए बहुत मेहनत करें और खूब नाम कमाएं। इसी के साथ अगेन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहें। आइए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं, उससे पहले देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमें कहता क्या है, इसके अंदर हमें करना क्या है। ठीक है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कोरस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब क्या फाइंड करना हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स यहां पर ही फाइंड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, एंड देन जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे उनके कोरस्पोंडिंग हमारे पास वेक्टर्स क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है, हम उसको फाइंड करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लेट करते हैं कि ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चलिए निकालते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए करते हैं इसको चेंज। ए माइनस लैम्डा आई, आपको पता है जो डायगनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगनल, ठीक है, वहां पे क्या करना है, लैम्डा को माइनस करना है। ठीक है, करते हैं माइनस थ्री माइनस लैम्डा, माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व, वन थ्री माइनस लैम्डा, फोर जीरो जीरो वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यूज। अब देखो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो यहां पे, ठीक है, कहां पर, थर्ड रो के अंदर। तुम क्या करते हैं, थर्ड रो के अलोंग इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, हमारा काम इजी हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो, तो यहां से हमारे पास वन माइनस लैम्डा, ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, ये हमारे पास माइनस कॉमन निकाल ले यहां से, थ्री प्लस लैम्डा, थ्री माइनस लैम्डा कॉलम डिलीट रो डिलीट, और यहां से प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो माइनस कॉमन निकालने के बाद देखो कितना सिंपल हो गया, ये ए प्लस बी ए माइनस बी हमें पता है। ठीक है, इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्या आएगा हमारे पास वन माइनस लैम्डा, और यहां से हमारे पास माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, नाइन माइनस लैम्डा स्क्वेयर प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं, अंदर वन की मल्टीप्लाई करते हैं और लैम्डा करते हैं, उससे पहले जो माइनस साइन है इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस नाइन प्लस लैम्डा स्क्वेयर प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, माइनस नाइन प्लस नाइन कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास वन माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो कब होगी, या तो ये नंबर जीरो की इक्वल हो या फिर ये सेकंड नंबर जीरो के इक्वल हो। ठीक है, तो वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो और लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास वन,
और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0.0। क्यों? क्योंकि पावर 2 है तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, 0.0। तो लैम्डा की हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया? ये हम पहले कर चुके हैं। करेक्टरिस्टिक रूट्स आर क्या हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 0.0.1, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, ठीक है। अब इसका काम हमारा हो चुका है, अब क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हमें इसका यूज करना पड़ेगा, इसके हमें नीड होगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। अब क्या निकालेंगे हम, द करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स। आर द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन नॉन जीरो, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, अब देखो इसको लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई। तो मैं इसको देखो यहीं पे लिख देता हूँ, इसको दोबारा ना बनाना पड़े मुझे। मैट्रिक्स हमारे पास हो गई है, और यहाँ पर अब मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो आपके पास क्या है, 3 ऑर्डर हैं। तो हमारे पास क्या आएंगे, 3 वेरिएबल्स आएंगे, राइट, 3 वेरिएबल्स आएंगे। तो मान लेते हैं उसको एक्स वाई जेड। अब चाहो तो यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इस टाइप से भी ले सकते हो, इनके प्लेसेस पे, ठीक है, ये आपकी चॉइस है आप कैसे लेते हो। ये हमारे पास हो गया, इसको मान लेते चलिए हम ए, यहाँ पे 0 भी आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। लैम्डा के हमारे पास क्या है रूट, 0.0.1, ठीक है। तुमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 0, कहाँ पर, दिस इक्वेशन के अंदर। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आने वाला है जब हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास। इस मैट्रिक्स को हम एक साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें इसका बार बार यूज करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं इस मैट्रिक्स को, -3 माइनस लैम्बडा -9 -12 1 3 माइनस लैम्बडा 4 0.0.1 माइनस लैम्बडा। इसका हमने बार बार यूज करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो लैम्बडा है इसके प्लेस पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए पुट करते हैं 0 इसके प्लेस पे, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, अब मैट्रिक्स यहाँ से देखते जाना, ठीक है। लैम्बडा को हमने क्या पुट किया है, 0, -3 -0 करेंगे तो 0, -9 -12 1 3 -0 0 4 0.0.1 -0 1 आएगा, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हमारे पास 0.0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो हमें निकालनी है एक्स वाई जेड की वैल्यूज, ठीक है। क्या करते हैं, चलो इसको रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे पास ये काम इजी हो जाए। ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, ऑपरेट ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, क्या अगर मैं इसको -1/3 से डिवाइड कर दूँ तो काम हो जाएगा हमारा, सॉरी -1/3 से मल्टीप्लाई, आर वन -1/3 आर वन। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 3 4 1 3 4 0 0 1 एक्स वाई जेड 0.0.0, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने जस्ट क्या किया है, जो लैम्डा की वैल्यू थी 0 हमने वो पुट किया है यहाँ पे, तो क्या आया हमारे पास,
दिस मैट्रिक्स, दिस इक्वेशन। अब यहाँ से देखो ये है, सेम है, तो आर टू पे ऑपरेट करेंगे हम, तो आर टू माइनस आर वन। तो हमारे पास यहाँ से क्या आने वाला है, 1 3 4 0 0 0 0 0 1 एक्स वाई जेड 0 0 0। अब देखो हमारे पास इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे कितने हमारे पास, फर्स्ट और की सेकंड 2 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स की रैंक निकल के आएगी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितनी आएगी, रैंक हमारे पास कितनी है इसकी, 2। और वेरिएबल्स कितने हमारे पास, 3, ठीक है। वेरिएबल्स कितने हमारे पास, 3। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 3, वेरिएबल्स 3 हैं और रैंक 2 है, दैट इज इक्वेशन 2 हमारे पास। तो यहां से क्या होगा, एक एलिमेंट ऐसा जो फ्री होगा, एक वेरिएबल्स, तो फ्री वेरिएबल्स यहां पे क्या होंगे, या आर्बिट्री वेरिएबल्स, आर्बिट्री नंबर हमारे पास कितने होंगे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। उस एक नंबर को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, आर्बिट्री नंबर चूज कर सकते हैं, ठीक है, वो नंबर स्केलर हो सकता है कुछ भी। कितने नंबर होंगे हमारे पास, 1 होंगे। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, देयर फोर क्या बनेगा हमारे पास, यहां से जेड इज इक्वल टू 0, यही बनेगा, जेड इज इक्वल टू 0। चलिए मैं इसको जेड इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बना लेते हैं, यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं आने वाला, यहाँ से आएगा हमारे पास, तो यहाँ से क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू 0। जेड की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए देयर फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट की, तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 बचा ये हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस के 3y पुट, लेट y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, हम k मान लेते हैं, कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है, k क्या है, एक आर्बिट्रेरी नंबर, वेयर k इज आर्बिट्रेरी और k नॉट इक्वल टू 0। k के लिए कह लेंगे यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, तो भी सोल्यूशन कोई काम ही नहीं फिर तो, ठीक है। तो k क्या है, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी नंबर में चूज कर लिया, तो देर फॉर यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, माइनस 3k। हमारे पास z की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ तक आपको समझ आया, ऑपरेट किया हमने जस्ट और कुछ भी नहीं किया, सिंपल है। अब यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे वेक्टर्स की फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स आर क्या होंगे हमारे पास, ये हमारे पास इसी फॉर्म में आएंगे, दैट इज फर्स्ट एक्स के लिए हमारे पास कितनी है, माइनस 3k, वाई के लिए हमारे पास कितनी है, के, और जेड के लिए हमारे पास क्या है, 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, k कॉमन निकाली हमने बाहर, तो माइनस 3 1 और 0, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया इसका, ठीक है। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर मैच कर जाए, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन माइनस 3 1 0, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0, तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आएगा, ठीक है, ये काम हमारा लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग, जो एग्जामिनर आपसे वो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पुट करेगा कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, ठीक है, उसे पता है कि रूट फाइंड करना तो इजी काम है, हो जाएगा, जो आपको टाइम लगेगा, इजी तो ये भी है, मुश्किल नहीं है, जो थोड़ा सा टाइम लगेगा वो इसी क्वेश्चन इस स्टेप में लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज निकालनी होती है, 2 या 3। अब लैम्डा की वैल्यू देखो, सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है, 0 के इक्वल है। अब पुट करते हैं, नाउ पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1,
क्यों जीरो पुट करेंगे, तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, सेम ही रहना है। ठीक है, जब हमारे पास सेम आ जाए तो हम एक वैल्यू निकाल लेंगे वहां से। अब लैम्डा इज इक्वल टू वन कहां पुट करेंगे, इक्वेशन वन के अंदर। ये हमारे पास क्या इक्वेशन वन ही तो है, इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास, एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही थी हमारे पास। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो सॉल्यूशन हमारा निकला है जीरो के कोरस्पॉन्डिंग। अब हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे किसके कोरस्पॉन्डिंग, वन के कोरस्पॉन्डिंग। नाउ पुट लैम्डा इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन। अब देखो यहां से जो इक्वेशन हमारे पास है माइनस थ्री, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन, दैट इज वन पुट किया हमने, तो माइनस वन माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व, वन थ्री माइनस वन फोर जीरो जीरो वन माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड जीरो जीरो जीरो। ठीक है, अब हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू को वन से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, माइनस फोर माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व, वन टू फोर जीरो जीरो, और देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया जीरो, एक्स वाई जेड जीरो जीरो जीरो। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं यहाँ से, आर वन इंटरचेंज आर टू, तो हमारे पास क्या आएगा, वन टू फोर माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व जीरो जीरो जीरो, एक्स वाई जेड जीरो जीरो जीरो। ठीक है, इंटरचेंज कर लिया हमने, अब क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे, कैसे बनेगा, आर वन की हेल्प से, आर वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, आर टू पर ऑपरेट करते हैं, आर टू प्लस फोर आर वन, इसको फोर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड हमारे पास ये जीरो बनेगा, इसका फोर टाइम एट होगा इसमें ऐड होगा तो माइनस वन, इसका फोर टाइम सिक्सटीन होगा जब इसमें ऐड होगा तो सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व दैट इज फोर। यहाँ पे हमारे पास क्या है जीरो जीरो जीरो, और ये एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो जीरो, इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी आई, हमारे पास रैंक इज इक्वल टू टू आई है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, कितने होंगे थ्री है, आर्बिट्रेरी नंबर कितने होंगे हमारे पास, थ्री माइनस टू दैट इज वन, एक नंबर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे आर्बिट्रेरी, उसको चूज करने के हमारे पास चॉइस है, हम उसको कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ से बनाएंगे हम इक्वेशंस, ठीक है, इतना काम हो गया, हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, जस्ट इस फॉर्म में लिखा है और रो एक्लोन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, नाउ यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस के वाई प्लस के फोर जेड इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर जेड, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू फोर जेड। अब जेड को क्या चूज करेंगे हम, के इक्वल, क्यों, क्योंकि एक ही चॉइस हमारे पास, हम एक को ही चूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हमारे पास कितने हैं, आर्बिट्रेरी नंबर वन है, तो हम किसी एक को इनमें से ठीक है किसी को हम लेट कर सकते हैं, तो लेट जेड इज इक्वल टू के बी एन आर्बिट्रेरी नंबर, आर्बिट्रेरी नंबर और के नॉट इक्वल टू जीरो, के वैल्यू जीरो पुट नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू
फोर के जेड की वैल्यू हमने क्या पुट की है, के, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर के। अब ये वैल्यूज के अंदर पुट करो, फ्रॉम टू एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास, फोर के प्लस फोर, जेड की वैल्यू हमारे पास के, तो एक्स प्लस एट के प्लस फोर के इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस ट्वेल्व के इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व के। हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई है, वाई की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज वाई इज इक्वल टू फोर के, और जेड की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। अब क्या निकालना हमें, कोरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक वैक्टर्स, ठीक है ना। करेक्टरिस्टिक वैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन फिनिश भी हो चुका है। करेक्टरिस्टिक वैक्टर्स आर क्या होगा हमारे पास, एक्स के लिए हमारे पास कितनी है के, सॉरी माइनस ट्वेल्व के, माइनस ट्वेल्व के, वाई की वैल्यू फोर के और जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो के यहाँ से कॉमन निकाला हमने, तो क्या है हमारे पास माइनस ट्वेल्व फोर और वन, वन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है वेक्टर, माइनस ट्वेल्व फोर वन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। यहाँ से हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने निकाले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 001, जो रूट्स आए हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास करेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या आएंगे, ठीक है, वो हमने निकाल लिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद हमारे पास इसके क्वेश्चन के सेवन पार्ट हैं, ये पार्ट आप ट्राई करना, मैं आपको एक पार्ट और करा देता हूँ यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड का सेवन्थ पार्ट, सेवन पार्ट है यहाँ पे, जो पार्ट बच गए हैं वे पार्ट आप खुद ट्राई करोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको क्वेश्चन ही मुश्किल ना लगे, ठीक है, आप अच्छे से कर पाओ। अभी सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं ही करा देता हूँ तो फिर क्या फ़ायदा, आपने प्रैक्टिस तो की ही नहीं, आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी होने चाहिए ना, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, आपको पता चल सके कि आपको मैथ्स कितना समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका करते हैं, हम मैं इसको इरेज करते हैं यहाँ से, इसका करते हैं हम सेवन्थ पार्ट। लेट ए इज इक्वल टू 102 021 201, ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स, इसका निकालते हैं द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या होगी, डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, यही होगी। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, वन माइनस लैम्डा जीरो टू, जीरो टू माइनस लैम्डा वन, टू जीरो वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, सॉरी यहाँ पे डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं, देखो सभी में हमारे पास यहाँ पे जीरो एक ही है, यहाँ भी एक ही जीरो, यहाँ भी एक ही जीरो है, अब किसी भी रो कॉलम के लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। चलिए इसको करते हैं फर्स्ट रो के लोग, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो वन माइनस लैम्डा कॉलम डिलीट रो डिलीट, टू माइनस लैम्डा वन माइनस लैम्डा ये डिलीट यहाँ से जीरो, उसके बाद प्लस टू कॉलम डिलीट ये रो डिलीट ये जीरो यहाँ से माइनस टू, टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इतना काम हो गया। चलो फिर चेक कर लेते हैं बार कहीं भी मिस्टेक ना हो जाए, वन माइनस लैम्डा कॉलम डिलीट रो डिलीट, टू माइनस लैम्डा वन माइनस लैम्डा और यहाँ से करेंगे तो जीरो और यहाँ से टू माइनस टू इंटू टू माइनस लैम्डा, ठीक है। अब देखो वन माइनस लैम्डा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू, लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू, प्लस टू
चलो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, टू टू जा फोर, माइनस फोर माइनस के एट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस के फोर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस थ्री लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू माइनस लैम्डा क्यूब प्लस थ्री लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा माइनस एट प्लस फोर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो माइनस लैम्डा क्यूब। अब लैम्डा स्क्वायर टर्म वन थ्री फोर, लैम्डा टर्म माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव प्लस फोर माइनस वन लैम्डा, कॉन्स्टेंट टर्म टू और माइनस एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस लैम्डा प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से बाय इंस्पेक्शन वैल्यू निकालेंगे इसकी, बाय इंस्पेक्शन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा। अब देखो सिक्स के रूट क्या क्या हो सकते हैं, अब यहाँ पे प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री जो लास्ट टर्म हमारे पास है कॉन्स्टेंट नंबर, इसके रूट क्या क्या हो सकते हैं, कुछ बल इनके टेबल में आ सकता ना ये वन टू थ्री सिक्स, तो यहाँ से वन पुट कर चेक करेंगे फिर माइनस वन इस टाइप से चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो चेक करते हैं, अगर यहाँ पे वन पुट करते हैं तो वन से तो कुछ होना नहीं क्योंकि टर्म पॉजिटिव ज़्यादा है। चलो माइनस वन पुट करते हैं यहाँ पे, माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से माइनस वन, और यहाँ पुट करेंगे तो माइनस फोर माइनस वन प्लस सिक्स, देखो फोर वन और वन सिक्स, माइनस सिक्स प्लस सिक्स दैट इज़ क्या है हमारे पास जीरो। क्या पुट किया हमने, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, एक वे रूट हमारे पास आ गया इसका। अब हम क्या निकालेंगे इसके अदर टू रूट्स, अदर टू रूट्स निकालने के लिए हमने सीख रखा है बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन रूट क्या है हमारे पास माइनस वन, ठीक है। अब देखो लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा वन लैम्डा जीरो कंप्लीट पॉलीनोमियल है, कंप्लीट इक्वेशन सॉरी। अब देखो यहाँ से लैम्डा थ्री का कोफिशिएंट कितना है वन, लैम्डा टू का कोफिशिएंट कितना है माइनस फोर, लैम्डा कोफिशिएंट वन और कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास सिक्स, इतना काम हो गया। आइए अब देखते हैं इसको, ये टर्म एज इट इज माइनस वन की मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो माइनस वन, तो क्या आएगा यहाँ से माइनस फाइव, माइनस फाइव मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा फाइव, ऐड करेंगे सिक्स, अब सिक्स वन जा माइनस सिक्स, तो क्या आएगा हमारे पास जीरो, ठीक है। देखो फिर से देखें जो कॉन्स्टेंट है हमारे पास एक लैम्डा क्यूब माइनस फोर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन है, जो लैम्डा के कोफिशेंट है हम उनको लिखते हैं, ठीक है। लैम्डा क्यूब का कोफिशेंट वन, लैम्डा टू का कोफिशेंट माइनस फोर, लैम्डा कोफिशेंट वन और यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म सिक्स, ठीक है। इसके बाद जो ये फर्स्ट नंबर हमारे पास है इसको एज इट इज लिखते हैं, फिर इसकी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो माइनस वन वन जा माइनस वन, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस फाइव, ऐड करेंगे तो फिर माइनस वन की मल्टीप्लाई माइनस फाइव के साथ तो प्लस फाइव, प्लस फाइव यहाँ पे ऐड करेंगे सिक्स, फिर इस माइनस वन की मल्टीप्लाई सिक्स के साथ तो क्या आएगा हमारे पास माइनस सिक्स, लिख दिया हमने ऐड करेंगे तो जीरो। तो ये हमारे पास क्या बन गई लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से ये आया हमारे पास, इतना काम हो गया। अब देखो एक रूट हमारे पास लैम्डा इक्वल टू माइनस वन है, चलो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास दो नंबर ऐड करें हमारे पास माइनस फाइव आए मल्टीप्लाई करें सिक्स आए तो लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इज इक्वल टू थ्री और टू, और यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आई है माइनस वन, ठीक है। माइनस वन टू थ्री इतना काम हमारे पास हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर, हमारे पास रूट्स क्या क्या हैं लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन टू थ्री,
ये काम हमारे पास हो चुका है, करेक्टरिस्टिक रूट्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें क्या निकालने हैं, इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, ठीक है, आइए उनको निकालते हैं। नाउ द करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स आर द कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन ऑफ आर द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इनटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमारे पास होगा। इसको और करके हम लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, वन माइनस लैम्बडा जीरो टू जीरो, टू माइनस लैम्बडा वन टू जीरो, वन माइनस लैम्बडा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लैम्बडा की वैल्यूज हमारे पास आई हैं दैट इज माइनस वन टू और थ्री, इसके अंदर क्या करेंगे हम पुट करेंगे, ठीक है। इसको अपने यूज के लिए हम क्या करते हैं, इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, वन माइनस लैम्बडा जीरो टू जीरो टू माइनस लैम्बडा वन टू जीरो वन माइनस लैम्बडा, ये हमारे पास आई है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ से आई है। और लैम्बडा के लिए हमारे पास क्या है, माइनस वन टू और थ्री, ये हमारे पास हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर लैम्बडा की वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे, माइनस वन, ठीक है, आइए यहाँ पुट करते हैं। पुट लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वन माइनस माइनस वन, लैम्बडा के लिए माइनस वन पुट करेंगे, ऐसे क्या आएगा हमारे पास टू जीरो टू जीरो, यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो क्या आएगा थ्री वन टू जीरो, यहाँ माइनस वन पुट करेंगे तो टू आएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड जीरो जीरो जीरो, इतना काम हो गया। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमने क्या किया, जो लैम्बडे की वैल्यू माइनस वन है हमने वो पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गई। इसके बाद देखो ये और ये हमारे पास क्या है, सेम है, ऑपरेट करते हैं आर थ्री पे, आर थ्री माइनस आर वन, तो हमारे पास क्या आएगा टू जीरो टू जीरो थ्री वन जीरो जीरो जीरो, एक्स वाई जेड जीरो जीरो जीरो, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है हमारे पास वो कितनी आई है, टू आई है, रैंक हमारे पास कितनी है, टू है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये हमारे पास कितने हैं, थ्री है। अब नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट या नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, अब फ्री वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स ये हमारे पास कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे एंड जो मैट्रिक्स की रैंक है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, दैट इज वन, वन हमारे पास क्या होगा फ्री वेरिएबल, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्री वेरिएबल है तो यहाँ से क्या बनाएंगे, इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या बनेगी हमारे पास 2x प्लस 2z इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसको ले सकते हैं x प्लस z इज इक्वल टू जीरो, टू हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से हमारे पास बनेगी 3y प्लस z इज इक्वल टू जीरो और 3y इज इक्वल टू माइनस z, ठीक है, 3y इज इक्वल टू माइनस z और y इज इक्वल टू माइनस z बाई थ्री, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू, आप चाहो तो z को यहाँ पे k लेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम कह जाते हैं कि हम इस फ्रैक्शन से बच जाएं, ठीक है, कि फ्रैक्शन ना आए, y के लिए फ्रैक्शन में आ जाएगी, फ्रैक्शन निकालेंगे तो फ्रैक्शन में निकलेगी, ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको z को 3 के लेट कर लेते हैं, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपल आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी चॉइस है चूज करने पर, आप k भी चूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, z के लिए हमने क्या चूज किया है, 3k डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज माइनस k आ गया हमारे पास,
जेड की वैल्यू 3 की है, वाई की वैल्यू माइनस की है। फर्स्ट इक्वेशन हम दे चुके हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। चलो उसको सेकंड इक्वेशन ये हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर से 2 कॉमन निकाल दिया था। फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, एक्स प्लस जेड है, एक्स, जेड की वैल्यू क्या हमारे पास 3k इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3k। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 3k आ गई। एक्स की वैल्यू हमारे पास है, वाई की वैल्यू हमारे पास है, और जेड की वैल्यू हमारे पास है, तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्या, वेक्टर्स आर क्या होंगे हमारे पास, एक्स की वैल्यू लिखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि पहले एक्स था, फिर वाई, फिर जेड। एक्स के लिए हमारे पास कितनी आई है, माइनस 3k, वाई के लिए हमारे पास कितनी आई है, माइनस k, और जेड के लिए हमारे पास है 3k। यहाँ से k कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस 3, माइनस 1 और 3। लैम्बडा की वैल्यू माइनस 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वेक्टर आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नाउ पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 2, कहाँ पे, इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। लैम्बडा क्या पुट करेंगे, हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या था, 2 है फिर 3 है। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1, ये हमारे पास है मैट्रिक्स। यहाँ पे लैम्बडा के लिए 2 पुट करेंगे, तो दैट इज 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 2 0, 2 माइनस 2 0 1, 2 0 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, ये हमारे पास आ चुका है। एक्स वाई जेड 0 0 0, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास इसके नीचे वेरिएबल है, इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, तो आर थ्री को ऑपरेट करेंगे, क्या आर थ्री प्लस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास 1 और यहाँ से 0, इस 0 2 टाइम करेंगे इसका, और इसमें ऐड करेंगे 4 माइनस 1 3, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ से 0 0 आएगा, 0 2 माइनस 2 0 1, कोई बात नहीं, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसकी हेल्प से इसको 0 बना सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड 0 0 0, अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे हम काम करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं एक और, ठीक है। आर थ्री पे, आर थ्री माइनस, आर थ्री माइनस 3R2, ठीक है। आर थ्री में क्या किया हमने, इसको लेके 0 पुट कर दिया, ठीक है। इसका क्या किया हमने, आर थ्री में से 3 टाइम, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 1 0 2 0 0 0 0 0 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा ये, क्योंकि ऑपरेशन आर थ्री पे है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 है, रैंक 2 है। वेरिएबल्स कितने हमारे पास, 3 हैं, तो फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे हमारे पास, 1 होंगे। लिखते हैं, रैंक इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे हमारे पास, 3 माइनस 2 दैट इज 1। एक वेरिएबल हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, फ्री होगा, ठीक है। चलिए बनाते क्वेश्चन यहाँ से, तो माइनस एक्स प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और यहाँ से z इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाई जेड, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 2z। अब कैसे काम किया जाए, चलिए माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स के लिए भी यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 0 आ चुकी है, या इसको एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस से 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला।
एक्स के लिए 0, जेड के लिए 0। अब फ्री वेरिएबल्स क्या है? एक हमारे पास कौन सा, वाई, लेट वाई इज इक्वल टू के, वाई को हम क्या लेंगे, के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास अब कोरस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स क्या आने वाले हैं, आइए उसको देख लेते हैं। वेक्टर्स आर क्या आएंगे हमारे पास, 0, के 0, ठीक है। अब क्या करें, उसको के से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, के इंटू 0 1 0, ये हमारे पास क्या है, 2 के कोरस्पोंडिंग करेक्टरिस्टिक वेक्टर आ गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 3 के कोरस्पोंडिंग करेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालेंगे। नाउ पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, हम लैम्डा के लिए 3 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 3 दैट इज -2, 0 2 0, 2 माइनस 3 -1 1 2 0, और 1 माइनस 3 -2। एक्स वाई जेड 0 0 0। अब देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेम है, ऑपरेट करते हैं R3 पे, R3 -R1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -2 0 2 0 -1 1 0 0 0। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0, ये हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद अब देखो इसके मैट्रिक्स के जो रैंक है, रैंक हमारे पास क्या है, चलिए वहाँ पे हमारे पास है ही, वहीं से कर देते हैं। रैंक हमारे पास क्या है मैट्रिक्स की, 2 है। फ्री वेरिएबल्स, ओ नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 3 है। फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, 3 माइनस 2 दैट इज 1। अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे हम, इक्वेशन क्या बनेंगे हमारे पास, -2x + 2z = 0, और यहाँ से -y + z = 0, तो -y = -z y = z, लेट z = k, जेड को हम क्या करेंगे यहाँ पे, के पुट करेंगे, तो देयर फोर y = क्या होगा हमारे पास, k हो जाएगा। एंड यहाँ से जेड के लिए हमारे पास k है, वाई के लिए हमारे पास k है, देखो के पुट करेंगे यहाँ पे, के पुट करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हमारे पास, दोनों इक्वेशन सेम ही तो है, सॉरी यहाँ पे जेड है, एक्स के लिए निकालने में यहाँ से, तो -2x + 2k इज इक्वल टू 0, जेड के लिए हमने यहाँ पुट कर दी, तो 2 कॉमन आ गया हमारे पास, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से के आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन आके कैंसिल, -x - k - x + k, तो साइड जाएगा माइनस के हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स के लिए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, के आ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स क्या आएंगे इसके कोरस्पोंडिंग, वेक्टर्स की बात करते हैं तो क्या आने वाले हैं, एक्स के लिए हमारे पास कितनी यहाँ पे के आई है, वाई के लिए हमारे पास के है, और जेड के लिए हमारे पास के है, दैट इज को क्या लिख सकते हैं, के कॉमन 1 1 1, ये हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स किसके कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश होता है, ठीक है। इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन भी है,